अस्सलाम वालेकुम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ट्वेंटी डेज चैलेंज टू कंप्लीट द हेड एंड नेक सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर इन इंग्लिश वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्कल एंड द क्रेनियम स्कल इज बेसिकली द स्केलेटन ऑफ हेड विच इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट बोन्स बोन्स आपस में डिफरेंट ज्वाइंट्स के ज़रिए ज्वाइन हुई होंगी इन जॉइंट्स को हम कह देते हैं सुचर्स क्योंकि ये जो है वो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं सूचर्स की जो मेन डेफिनेशन बनेगी वो ये होगी कि सूचर्स आर द नैरो गैप्स बिटवीन द एडजस्टेंट बोन्स एंड दीज गैप्स आर फिल्ड विद द डेंस फाइब्रस टिश्यू इन द अर्ली लाइफ सिर्फ अर्ली लाइफ में बिकॉज आफ्टर द एज ऑफ थर्टी ये जो फाइब्रस uh, टिश्यू होता है ये बोनी टिश्यू में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है

उसको रिमूव कर दिया जाए मैंडिबल को रिमूव कर दिया जाए तो ये बन जाएगा इस मैंडिबल को तो ये बन जाएगी क्रेनियम सो देयर लाइज अ डिफरेंस डोंट कंफ्यूज इन इट स्कल जो है उसके अंदर ट्वेंटी एट बोन्स होती हैं और अगर उसमें से एक बोन निकाल दें मैंडिबल तो बाकी जो है वो क्रेनियम बन जाएगी तो जो क्रेनियम है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इन टू द न्यूरोनियम एंड विजरोक्रेनियम न्यूरोक्रेनियम एज़ रिलेटेड टू द वर्ड न्यूरो इज़ रिलेटेड टू ब्रेन सो न्यूरोक्रेनियम सराउंड द ब्रेन एंड इट्स मीनज वाइल द विज़रोनियम ये सिर्फ मेमोराइज़ करने के लिए बता रही हूँ कि विजरो मीन्स रिलेटेड टू सम स्ट्रक्चर विजराज विच में विच इज़

फॉर्म होता है द एट बोन्स एट बोन्स इसके अंदर होती हैं जिसमें होती है फ्रंटल एथमाइड सेफेनाइड ऑसिपिटल एंड टू सेट्स ऑफ टेम्पोरल एंड प्राइटल भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं न्यूरोक्रेनियम जो है वो डोम बनाता है मोस्टली ये यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं डोम बना रहा है ये रूफ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि कैलवेरिया या आ, बेस फ्लोर भी बनाता है कैलवेरिया भी बनाता है बेस एंड फ्लोर भी बनाता है जिसके अंदर ब्रेन कम्प्लीटली इनक्लोज होता है और जो विजरो क्रेनियम है वो फेशियल स्केलेटन बनाता है अब जो स्कल है वो फर्दर डिवाइडेड होती है के दो पार्ट्स के अंदर एक होता है कैलवेरिया विच इज़ द ब्रेन बॉक्स विच इज़ द आल्सो कॉल द स्कल कैप दिस वन एंड इफ आई कैन शो यू दिस वन इज़ द कैलवेरिया च कवर्स द ब्रेन सो आल्सो कॉल द ब्रेन बॉक्स अदर नेम इज़ द स्कल कैप एंड इज़ द अपर पार्ट ऑफ द करेनियम विच इंक्लूज इज द ब्रेन और इसके अंदर फोटीन बोन्स होती हैं विच आल्सो इंक्लूज द थ्री प्यर एयर ओसिकल्स बोन्ती हैं जो यहाँ पर वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं और जो फेशियल स्केलेटन है वो रेस्ट ऑफ द स्कल प्लस मैंडीबल पर जो है वो मुश्तमिल है जैसे ये रेस्ट ऑफ द स्कल जिसमें फेशियल भी आ रहा है उसके अलावा मैंडिबल भी आ रही है इन दोनों पर इंक्लूड होता है तो स्कल की स्टडी में या हम कहेंगे कि स्कल को डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में एक है कैल्विया एंड द अदर वन इज़ द फेशियल स्केलेटन स्कल टोटल ट्वेंटी एट बोन्स से मिलकर बनती जिस से 14 है जिसमें से फोटीन बोन्स जो हैं वो इंक्लूड होती हैं उसके कलवेरिया या ब्रेन बॉक्स के अंदर और फोटीन बोन्स जो हैं वो फेशियल स्केलेटन बनाती जो एनाटॉमिकल पोजीशन अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्कल की एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है और किसी भी बोन को डिस्क्राइब करते हुए उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं तो एनाटॉमिकल पोजिशन ऑफ स्कल को डिस्क्राइब करने के लिए दो लाज हैं एक है रेडी बेस और दूसरा है फ्रेंकफर्स ला तो इसमें दोनों लाज के अंदर एक पॉइंट दो चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए कि एक्सटर्नल एकोस्टिक मैटर्स क्या होता है और इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन क्या होती है तो दोनों लाज में जो कॉमन चीज़ है वो इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन है इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन मीन्स हमारे पास ऑर्बिट है ठीक है ये आई का हमारे पास क्या है जो सॉकेट होता है उसको ऑर्बिट कहते हैं ठीक है ये जो ऑर्बिट है इसकी जो हमारे पास लास्ट मार्जिन है ये वाली ठीक है उसको कह रहे हैं इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से एक लाइन को ड्रा करते हैं और यहाँ पर हमारा जो कान होता है उसका एक्सटर्नल एकोस्टिक मियाटस होता है स्कल के ऊपर ठीक है तो एक्सटर्नल एकोस्टिक मियाटस के अगर सेंटर में से लाइन पास करें इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से एक लाइन ड्रा की और सेंटर ऑफ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस में से पास करी है तो ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन डिस्क्राइब की है इसको रेडीज बेस कहते हैं ठीक है थीके? और अगर यही इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से जो हमने लाइन ड्रा की है अगर वो उसके एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस की अपर मार्जिन से पास करे जैसे ये वाली कारी है तो वो कहलाएगी फ्रैंक फर्स हॉरिजेंटल प्लेन और इन दो पोजीशंस में हम स्कल को जो है वो होल्ड करते हैं अब हमारे पास uh, स्कल को होल्ड करना हमने कह दिया किस तरह करना है उसके बाद होता है कि मेथड ऑफ स्टडी ऑफ स्कल क्या होता है डिफरेंट मेथड्स में स्कल को स्टडी किया जाता है फॉर एग्जांपल एक स्कल है हमारे पास पास तो उसका हम एक्सटीरियर जब पढ़ने लगेंगे एक एक्सटीरियर ऑफ स्कल हम पढ़ेंगे ठीक है और एक इंटीरियर ऑफ स्कल पढ़ेंगे एक्सटीरियर ऑफ़ स्कल के अंदर डिफरेंट नॉर्मास आ जाएंगे और इंटीरियर ऑफ स्कल के अंदर हम क्रेनियल कैविटी और डिफरेंट थिंग इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे और जो हम अब देखते हैं कि एक्सटर्नल ऑफ़ स्कल को हम कैसे पढ़ेंगे एक्सटर्नल ऑफ स्कल को पढ़ने के लिए डिफरेंट उसमें नॉर्माज में डिवाइड किया जाता है जो सुपीरियर व्यू होता है एक फॉर एग्जाम्पल अब स्कल है अगर हम उसको टॉप से देखेंगे तो वो होगा सुपीरियर व्यू सुपीरियर व्यू ऑफ स्कल होगा उसको कहेंगे नॉर्मा वर्टिकलिस और uh, ये सुपीरियर व्यू है तो जब सुपीरियर व्यू ऑफ स्कल नॉर्मा वर्टिकलिस एंड द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्कल क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे ओसीपिटल बोन होती है जिसकी वजह से उसको नॉर्मा पिटेलिस भी नेम दे दिया जाता है उसके बाद इंटीरियर uh, व्यू को नॉर्मा फ्रंट बिकॉज यहाँ पर हमारे पास फोर हेड की जो बोन होती है वो फ्रंटल बोन होती है ये वाली बोन ठीक है तो फ्रंटल बोन की प्रेजेंस की वजह से इसको नॉर्मा फ्रंट और जो लेटरल साइड को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसको नॉर्मा लेट्रलिस फ्रॉम द लेटरल एंड इन्फीरियर व्यू को कहेंगे नॉर्मा बिजालिस फ्रॉम द बेस तो होल ऑफ द जो स्कल होती है उसको आगे भी हमने बताया जो रूफ है उसकी आ, वो कहलाती है कैलवेरिया और स्कल कैप जब उसको रिमूव करेंगे तो इंटरनल सरफेस ऑफ क्रीनियल वाल्ट भी पढ़ेंगे और इंटरनल सर्फेस ऑफ क्रीनियल बेस भी पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर सर्फेस मीन्स नॉर्मा ऑफ स्कल नॉर्मा स्टार्ट करने से पहले हमें जनरल व्यू ऑफ बोन्स का पता होना चाहिए कि एक जनरल व्यू में पता होना चाहिए फ्रंटल बोन कहाँ है ऑसिपिटल कहाँ पे है प्राइटल तो नॉर्मा स्टडी करना इजी हो जाएगा सबसे पहले हमने नेम्स याद करनी है बोन्स के तो uh, जो हमारे पास कैलवेरा ये ब्रेन बो ब्रेन केस होता है ब्रेन बॉक्स होता है उसके अंदर uh, फोर्टीन बोन्स में से कौन सी पेयर्ड हैं और कौन सी अनपेयर्ड हैं ये भी मालूम होना चाहिए तो फ्रंटल ऑसिपिटल सेफेनाइड और एथेमाइड ये अनपेयर्ड बोन्स होती हैं उसके अलावा जो पेराइटल टेम्पोरल मेरीज इनका सो स्टेपिस होती हैं ये पेयर्ड बोन्स होती हैं जो फेशियल स्केलेटन होता है उसके अंदर भी फोटीन बोन्स होती हैं उनमें से सिर्फ दो अनपेयर्ड होती हैं मैंडिबल और वूमर और बाकी सारी जैसे मैगजीलाइोमेटिक नेजल लेक्रिमल पैलेटाइन और इन्फीयर नेजल कौन का ये सारी पेयर्ड बोन्स होती हैं तो यहाँ पर एक पिक्चर है उसमें अगर मैं शो करूँ तो ये जैसे हमारे पास बिल्कुल फ्रंट पे है तो इसको हम नेम दे, दे देंगे फ्रंटल और ये हो जाएगी ब्राइटल उसके बाद ये हमारे पास होती हैं टेम्पोरल जिसको हम कनपट्टी की कहते हैं ये जो येलो कलर में है ये होगी सेफेनाइड और ये जो हमारे पास चीक बोन है ये सबको ही पता है कि ये जैगोमेटिक होती है उसके बाद ये हमारे पास जो अपर जा बना रही है ये होती है मैगजीला एंड दिस वन विच फॉर्म्स द लोअर जा ये है मैंडिबल और ये नोस वाली नेसल एंड दिस वन इज़ सॉरी दिस वन इज़ लेक्रीमल और अगर हम ऊपर से इसका व्यू लें सूचर्स कौन कौन से हैं ये भी हमें जनरल पता होना चाहिए तो सूचर्स को नॉर्मा हम वर्टिकलिस के अंदर डिस्कस करते हैं तो कोई भी नॉर्मा पढ़ना है उसके अंदर बेसिक चीज़ें जो हमने पढ़नी है वो शेप पढ़नी है नॉर्मा की कैसी है उसके बाद बोन सीन इन एट एंड द स्ट्रक्चर्स जो उसके अंदर है उसके अलावा सॉरी सूचर्स और उसके बाद अदर फीचर्स कौन कौन से हैं यानी कोई स्पेसिफ़िक फ़ीचर जो इसी नॉर्मा का है वो पढ़ेंगे तो सबसे पहले जब हम शेप इसकी स्टार्ट करेंगे तो ये जो है नॉर्मा वर्टिकली स्टार्ट करने लगे हैं तो जो कि स्पीरियर व्यू से है तो जब हम इसको देखते हैं तो इसकी शेप जो है वो ओवल है ओवल मीन्स के ये पोस्टीरियरली ज़्यादा वाइड है और एंटीरियरली कम वाइड है तो जब इसकी शेप ओवल है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें बोन्स कौन कौन सी प्रेजेंट है तो इंटीरियरली अपर पार्ट में यहाँ पर फ्रंटल बोन प्रेजेंट है दरअसल क्या है कि ये एक ही बोन है फ्रंटल ऐसे ये पूरी फ्रंटल है और ये जो दरम्या में मेटोपिक दिखाया गया है ये इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है तो ये पूरी हमारे पास जो है यानी अपर पार्ट में कौन सी बोन नज़र आ रही है फ्रंटल नज़र आ रही है बोन नज़र आ रही है और उसके बाद हमें अगर बैक साइड पे पोस्टीरियरली देखें तो ये ऑस्पिटल बोन नज़र आ रही है ठीक है और यहाँ पर हमारे पास दोनों पेराइटल नज़र आ रही हैं अब इसमें बोन्स हमें ये वाली नज़र आ गई अब हम देखेंगे कि इसमें सूचर्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं तो सूचर्स के लिए हम देखेंगे इसमें कोरोनल सूचर प्रेजेंट है सेजिटल सूचर है लमडाइट सूचर है और मेटोपिक सूचर है कोरोनल सूचर क्या होता है कोरोनल सूचर बेसिकली जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द फ्रंटल बोन एंड द टू पेराइटल बोन दिस वन इज़ द कोरोनल सूचर इच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फ्रंटल बोन एंड टू पेराइटल बोन्स ठीक है एक ये और एक ये और ये पेराइटल बोन्स के दरमियान में प्रेजेंट है इसकी जो हम अगर देखें तो कैसे जा रहा है कोरोनल सूचर जो है ये डाउनवर्ड भी जा रहा है इस तरफ और फारवर्ड भी जा रहा है ये देखें डाउनवर्ड भी जा रहा है और फॉरवर्ड भी जा रहा है और सेजिटल स्वचर क्या है सेजिटल स्वचर जो है ये मिड लाइन है सेजिटल स्विचर मिड लाइन है और ये कनेक्ट कर रहा है टू पेराइटल बोन्स को उसके बाद जो लेमडाइट सुचर है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है लेमडाइड स्वचर पोस्टीरियरली प्रेजेंट है और ये बिटवीन ऑसिपिटल बोन और टू पेराइटल बोन्स है और ये डाउनवर्ड और फॉरवर्ड रन करता है अलोंग द करीनियल वाल डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड जा रहा है जो मेटोपिक है ये बास में प्रेजेंट होते हैं और बास में नहीं तकरीबन थ्री टू एट परसेंट इंडिविजुअल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है ये मेटोपिक इंडिविजुअल मेटोपिक जो स्विचर होता है ये नॉर्मली फ्यूज़ हो जाता है एट द एज ऑफ सिक्स इयर्स लेकिन बास लोगों में क्या होता है कि जो फ्रंटल बोन होती है वो दरमियान में से ये मिड में है तो मेटोपिक मीड, 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 मीडियन प्लेन में होता है ठीक है तो मिट के अंदर ये फ्यूज़ नहीं कर पाता जिसकी वजह से यहाँ पर सूचर रह जाता है जिसको हम कहते हैं मेटोपिक सूचर तो आ, अगर हम डिफरेंट फीचर्स ऑफ नॉर्मल वर्टेकैलिस की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है वर्टेक्स जो कि हाईएस्ट पॉइंट होता है सेजिटल सूचर पर अब ये हमारे पास आ रहा है सेजिटल सूचर ठीक है तो इस पर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो वर्टेक्स है तो उसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि वो शायद जाकर एंड पर आएगा इधर जहाँ पर हमारे पास लिमडा निमडाइट सूच शुरू हो रहा है शायद उस जगह पर जाकर आएगा नहीं बल्कि ये यहाँ पर होगा आ, बिल्कुल ऊपर टॉप पर क्योंकि यहाँ पर होगा तकरीबन क्योंकि जब हम सुपीरियर व्यू लेते हैं तो आ, उसमें पीछे से भी थोड़ा सा हमें उसका व्यू आ रहा होता है ओसिपिटल का लेकिन अगर हम अपने सर पर आगे से आप आ, अपने आ, माथे पर हाथ रख के पीछे लेके जाएं जहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट आपको फील होता है ठीक है वो होता है वर्टेक्स ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट आगे उसके आते हैं फीचर्स में ब्रैगमा आता है जो कि इंटीरियर फाउंटेन ब्रेगमा असल में क्या होता है जहाँ पर कॉरोनल सूचर और सेजिटल सूचर्स आपस में मीट कर रहे होते हैं उसको कह देते हैं ब्रेगमा और एंटीरियर फोनटेनाल दिस वन इज़ द ब्रेगमा ठीक है उसके बाद जो हमारे पास है लेमडा है या पोस्टीरियर फोनटेनाल है वो मीटिंग पॉइंट है बिटवीन द सेजिटल सूचर एंड द लेमडायड सूचर यहाँ पर यहाँ पर जो पॉइंट है उसको कह रहे हैं लेमडा या पोस्टर फोटेनाल फोनटेनाल बेसिकली एक मेम्ब्रेनियस गैप होता है Uh, होते कि बेसिकली जब भी किसी बेबी uh, की बर्थ होती है तो उस वक्त जब चाइल्ड की बर्थ होती है तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेनियस गैप प्रेजेंट होता है यहाँ पर बोन प्रेजेंट नहीं होती इस मेम्ब्रेनियस गैप की डिफ ये होती है कि इसकी वजह से जब वेजाइना में इसे हेड पास करता है बर्थ के दौरान तो जो पेराइटल बोन्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाती हैं एक दूसरे के ऊपर जिसकी वजह से हेड जो स्कल का जो डायमीटर है वो कम होकर और इजीली बर्थ में आसानी होती है दूसरा इसमें यह है कि अगर किसी में रिटेन रह जाए ए, तो इंटीरियर फोनटेनालै से हम आ, उसका प्रेशर चेक करते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर चेक करते हैं अगर तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होगा तो इंटीरियर फोनटेनाइले जो है ये वाला इंटीरियर फोनटेनाइले या ब्रेगमा जो है ये बल्जिंग होगा जिसकी वजह से हम कहेंगे कि के, इंटीरियर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा है आ, और अगर तो आ, ये डिप्रेस दि, होगा तो ये डिहाइड्रेशन की निशानी होगी तो बेस क्लोज कब होता है फोनटेल इंटीरियर फोनटेले क्लोज़ होते हैं अबाउट एटीन टू ट्वेंटी फोर मंथ्स यानी वन पॉइंट फाइव टू टू ईयर्स बनते हैं जबकि जो पोस्टीरियर फोनटेनाल है वो टू टू थ्री मंथ्स में ही uh, क्लोज़ हो जाता है अब दूसरी चीज़ें इसमें कौन कौन सी हैं एक तो आ, एक फीचर है इसका पेराइटल फोरामेन अब ये जा रहा है सेजिटल सूचर इसके यहाँ पर दोनों साइड्स पे लेटरल साइड्स पे हमें एक फोरामेन से नज़र आ रहे हैं ये है पेराइटल फोरामेन फोरामेन है और पेराइटल बोन पे है तो इसको नाम दे देंगे पेराइटल फोरामेन इसके पेराइटल फोरामेन बेसिकली करता क्या है ये ट्रांसमिट करता है एमिसरी वेंस को एमिसरी वेंस वो वेंस होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं हमारे इंट्राक्रेनियल जो वीनस साइनसिस होते हैं उनको एक्स्ट्रा क्रेनियल वेंस के साथ कनेक्ट करती हैं इसकी मैं पिक दिखाती हूँ आगे आपको पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो दो पेराइटल फोरामेन होते हैं उसके दरमियान में एक पॉइंट होता है ये दो पेराइटल फोरामेन है उनके दरमियान में सेजिटल सूचर पर एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं ओबीलियन ओबीलियन क्या होता है बेसिकली बिटवीन टू पेराइटल फोरामेन ए लोकेशन करता है कि यहाँ पर पेराइटल फोरामेन आपस में सेजिटल सूचर के जरिए यानी टू पेराइटल बोन्स ज्वाइन रही हैं अब ये मिश्री uh, वेन की बात की थी हमने तो ये इसमें देखें कि ये हमारे पास उसने शो किया हुआ है इंट्राक्रीनल साइनस है हमारे पास ठीक है उसको कनेक्ट करा है बाय द अमिश्री वेन ये अमिश्री वेन है जो कि स्कल के पास से फोराम से पास करके बाहर जा रही है और बाहर के जो वेंस हैं उनके साथ कनेक्ट कर रही है ये पॉइंट क्लियर हो गया उसके बाद है जो है वर्टिकलिस का उसमें अगर हम देखें तो हमें ना एक प्रोमिनेंस सी फ़ील होती है अपनी लेटरल साइड पे यानी कान के बिल्कुल ऊपर से आए हाथ लगाएं फ़ील करेंगे तो एक प्रोमिनेंस सी फील हो रही है ये जो प्रोमिनेंस है ये लेटर लेटरल साइड पे है और इसको कहते हैं पेराइटल ट्यूबर या पेराइटल एमिनेंस जो कि एरिया है मैक्सिमम कन्वैक्सिटी है यहाँ पर पेराइटल बोन पर ठीक है इस वजह से हमें यहाँ पर अजीब सी प्रोमिनंसी सी फील होती है तो ये जो एरिया है इसको प्राइटर ट्यूबर कहते हैं ये वाला एरिया बनेगा ठीक है इसको प्राइटर ट्यूबर कहते हैं और इसकी इंपोर्टेंस क्या है कि कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर होता है जब भी स्कल का फ्रैक्चर होता है तो ये ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं कि यहाँ पर फ्रैक्चर हो उसके बाद है हमारे पास आ, नेक्स्ट फीचर है हमारे पास टेम्पोरल लाइंस टेम्पोरल लाइंस को नेम टेम्पोरल दिया गया क्योंकि ये स्टार्ट होती हैं टेम्पोरल बोन से अब ये वैसे तो हमारे पास है ना नॉर्मा वर्टिकैलिस लेकिन यहाँ पर पेराइटल पार्ट भी है बोन का इस पेराइटल पार्ट ऑफ बोन के ऊपर हमें टेम्पोरल लाइंस नज़र आती हैं टेम्पोरल लाइंस स्टार्ट होती हैं टेम्पोरल बोन से ठीक है यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है टेम्पोरल बोन से स्टार्ट हो रही है क्रॉस कर रही है करोनल सूचर को ये करोनल सूचर था इसको क्रॉस है और पेराइटल बोन के ऊपर आ गई है पेराइटल बोन पे जैसे आती है तो पीछे जाकर थोड़ा सा ये दो में डिवाइड हो जाती है पहले तो एक ही लाइन की सूरत में आ रही थी तो बाद में दो लाइन्स में डिवाइड हो जाती है एक सुपीरियर टेम्पोरल लाइन बन जाती है ठीक है और एक जो है वो इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन बन जाती है लेकिन ये बाद में जाकर ये यहाँ से जो जा रही हैं तो जो सुपीरियर वाली है वो तो फेड आउट हो जाती है लेकिन जो इन्फीरियर वाली है वो जाती है और जाकर नीचे से ज्वाइन हो रही है यहाँ पर देखें क्रेस्ट के साथ तो हम ये कहेंगे कि जब इंटीरियरली ट्रेस करेंगे उनको तो वो एक सिंगल लाइन में होगी लेकिन पोस्टीरियरली जो इंफीरियर टेम्पोरल लाइन होगी वो कंटिन्यू होगी डाउनवर्ड विद द जैगोमेटिक आर्टी और उसमें क्या है कि सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो जाती है किसी भी पार्ट के ऊपर स्कल के ये स्कल के ऊपर स्वेलिंग हुई हुई है सॉफ्ट टिश्यू की बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ कैपलरीज ड्यूरिंग डिलीवरी तो इसमें रपच्चर हो गया जिसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो गई है और स्कल जो है वो नॉर्मल हो जाती है पोस्ट नेटर लाइफ में फ्यू डेज विद इन फ्यू डेज और जैसे इसमें दिखाया हुआ है सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हुई हुई है और ये स्कैल्प की स्किन ऊपर आई हुई है सो so, नॉर्मा वर्टिकलिस कंप्लीट हो गया है तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नॉर्मा उस तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आप तक पहुंचे आसानी से